हूं शिल्पा जैन और आप देख रहे हैं जीबीसी अपडेट। आइए नजर डालते हैं हिमाचल की खबरों पर। चंबा जोधपुर जली मारुति सुजुकी की बलेनो कार में नूरपुर के गही लगोड़ का रहने वाला जला बीएसएफ का जवान निकला जिंदा। एसएमओ डॉक्टर जसवंत सिंह ने कहा कि अस्पताल में स्नेक बाइट के इंजेक्शन हमेशा रहते हैं और जो आपातकालीन स्टाफ डॉक्टर नर्स हमेशा काम पर रहते हैं, अगर कोई ज्यादा ही खतरनाक केस हो तो यहां से रेफर किया जाता है। उन्होंने कहा कि बरसात के दिनों में जमीन में पानी भर जाता है, हमें अपने आसपास सफाई रखनी चाहिए, घरों के अंदर भी सफाई व ध्यान रखें और कहीं भी घर में कोई ऐसी चीज ना बैठी हो, सांप काटने पर उन्हें तुरंत अस्पताल में पहुंचा दे। स्नेक बाइट के इंजेक्शन हमेशा अवेलेबल होते हैं हॉस्पिटल में और जो एमरजेंसी स्टाफ है उसमें डॉक्टर्स स्टाफ नर्सेस वो हमेशा ड्यूटी पे होते हैं और इसके अच्छी मैनेजमेंट करते हैं हम यहाँ पे, और फिर कोई बड़े क्रिटिकल कोई केस हो ऐसा तब रेफर होता है, अदरवाइज यहाँ पे अवेलेबल है। डॉक्टर साहब, बरसात के मौसम में देखा गया स्नेक बाइट जो है ज़्यादा हो रहा है, तो आप क्या अपील करना चाहेंगे जनता से कि इसके बचाव के लिए क्या कार्य करना चाहिए? सबसे पहले इसमें जो पानी भर जाता है जमीन में तो उसकी वजह से इंसेक्ट्स सारे सांप वगैरह सारे बाहर रहते हैं, तो यही है कि घर में थोड़ी आसपास जो आंगन वगैरह वो साफ रखें और जो घर के कोने करने उनको ज़्यादा सामान सुने ध्यान रखें ताकि चिपके कोई चीज ना बैठे गमलों के पीछे, आगे बच्चों का ध्यान रखें। जब स्नेक बाइट होता है तो तुरंत क्या करना चाहिए उनको? तुरंत तो यही है कि अगर सांप देखने पता लग जाता है कि वो स्नेक है, अगर वो मार दिया जाता है तो उसको साथ में आए पता लग जाता है कि कौन सी उसका किस्म का है सांप, वो जहरीला है, कितना जहरीला हो सकता है वो, यही है। बाकी तो यहाँ हॉस्पिटल में जल्दी से जल्दी पहुँचा दें ताकि एमरजेंसी उसको वैक्सीन दी जाए। नूरपुर से निपजित निपी की रिपोर्ट। कांगड़ा एयरपोर्ट विस्तारीकरण को लेकर चल रही कवायद के बीच विस्थापित होने वाले ने शर्त पर विस्तार की हामी भरी है। पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों का कहना था कि पहले सरकार पुनर्वास सुनिश्चित करे फिर एयरपोर्ट का विस्तार शुरू करे। कई पंचायत प्रतिनिधियों का कहना था कि उनकी पंचायतों को एक ही जगह बसाने की व्याख्या की जाए। एयरपोर्ट विस्तार को लेकर विस्थापित होने वाले क्षेत्र के पंचायत प्रतिनिधियों व ग्रामीणों से सुझाव लेने के लिए शुक्रवार को जिला परिषद सभागार धर्मशाला में डीसी कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। ब्यूरोक्रेट्स हैं, इंडिया के ब्यूरोक्रेट्स करीब हैं, करीब इनकी गलतियां ऐसी होती हैं जो उनको रोक देती हैं। मैं ये भी जानता हूं ऐसा है, बहुत सारे मैंने बता दिया। अभी हम इधर बेशक मेरे विचारों से मेरे साथी लोग सहमत ना हो कि मैं क्या बोल रहा हूं, पर आज प्रक्रिया इसी तरह की है। 10 कनाल जमीन चाहिए, यदि वो चाहे कहीं भी हो, पालनपुर धार खाली है, हम जाने के लिए तैयार है। मैं एक एक घर में किसी ने 1 करोड़ रुपया लगा रखा है। जंगली हाथी को हर साल सड़कों पर घुमाने वाले महंत बाबाओं की सिट्टी बिट्टी उस समय गुल हो गई जब वह बेजुबान बेसहारा हाथी को घायल अवस्था में स्मार्ट सिटी धर्मशाला में घुमा रहे थे और लोगों से हाथी से आशीर्वाद लेने के बदले लोगों से पैसे ले रहे थे। इस बात का पता जब क्रांति संस्था के अध्यक्ष ये हाथी घायल अवस्था में है और धर्मशाला के पास श्याम नगर में ये लाल चोले वाले महंत इसे डंडे मारते हुए ले जा रहे हैं, तो उन्होंने पहले उन्हें रोका और कहा कि हिंदू धर्म में तो गजराज को पूजा जाता है। काफी वाद विवाद के पश्चात धीरज महाजन उस हाथी के उपचार के लिए धर्मशाला पशु चिकित्सालय ले आए और वहां डिप्टी डायरेक्टर संजीव धीमान की उपस्थिति में इसका पूरा उपचार करवाया और बाबाओं को बोला कि 5 दिनों तक इसे बस आराम करने दिया जाए। क्रांति संस्था के संस्थापक धीरज महाजन ने कहा कि बेजुबान हाथी को सहारा बनाकर ये चोले वाले लोग काफी कमाई करते हैं, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये पैसा कहाँ जाता है? बस गजराज का आशीर्वाद लेना और उसे नीचे से निकलना है। धर्मशाला से निपजित निपी की रिपोर्ट। डीजीपी संजय कुंडू मीडिया से हुए रूबरू।
कहा 11 महीने पहले बना नूरपुर पुलिस जिला रहा उपलब्धियों भरा। 11 महीने के काम के किए आंकड़े पेश। 115 केस नारकोटिक के, 3.882 किलोग्राम हीरोइन पकड़ी। ड्रग्स के मामले में 1,21,12,420 रुपए पकड़े। धर्मशाला से निबजित तिपि की रिपोर्ट। 26/8/22 को बना था, 26 अगस्त 22 को बना था, 15 अगस्त के बाद करीब करीब 11 महीने हो गए इसको, और बीच में कई बार मैं आया हूँ, क्योंकि जब भी कोई नया जिला बनता है उसके टीथिंग ट्रबल्स होते हैं, और धीरे धीरे करके हमने इसको एस्टेब्लिश किया, और आज के दिन में ऑलमोस्ट 100% स्ट्रेंथ है इसमें। पूरी तरह से सुचारू नहीं हुआ, लेकिन जब से ये बना है करीब 11 महीने में इसने काफ़ी अच्छा काम किया है। जो मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, आपको लगेगा कि इट इज़ पेड फॉर इट्स कॉस्ट। मतलब नूरपुर बोलते थे कि बहुत सेंसिटिव है। जैसे इस दौरान इन्होंने 115 केस नारकोटिक्स के किए और 3.882 ग्राम हीरोइन पकड़ा। आवश्यक सूचना, जिला शिमला में लगातार भारी बारिश व बादल फटने के कारण जान व माल का काफी नुकसान हो रहा है। शिमला पुलिस समस्त जनता से आग्रह करती है कि नदी नालों से दूर सुरक्षित स्थानों पर रहें और अनावश्यक यात्रा करने से बचें। वाहनों को भी सुरक्षित स्थानों पर पार्क करें। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज यहां राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के वित्तीय सलाहकार रवनीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में आपदा से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए आए 8 दिवसीय केंद्रीय दल के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री ने केंद्रीय दल को अवगत करवाया कि प्रदेश में भारी बारिश, भूस्खलन और बाढ़ के कारण भारी नुकसान हुआ है, जिसे देखते हुए केंद्र सरकार को हिमाचल की उदारता से मदद करनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने केंद्र से प्रदेश की कठिन भौगोलिक परिस्थितियों और निर्माण इत्यादि की अधिक लागत को देखते केंद्र सरकार को हिमाचल सहित अन्य पहाड़ी राज्यों को अलग पैटर्न पर आर्थिक सहायता प्रदान करने का भी आग्रह किया। शिमला के रोहडू छेला में बादल फटने से बड़ी तबाही हुई, जिस कारण कुछ लोगों के लापता होने की सूचना मिल रही है। जो तस्वीरें वहां से सामने आ रही हैं वो काफ़ी डराने वाली हैं, जिससे कार मलबे के साथ बहते हुए दिखाई दे रहा है। कार हादसे में 2 की मौत व 1 लापता होने की सूचना मिल रही है। चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग पर स्वार घाट में समय करीब 3 से 3:30 बजे प्रातः एक कार में, जिसमें सचिन उसका दोस्त पिंटू व एक लड़की जो नोएडा से है, सड़क से करीब 400-500 फीट नीचे गिर गए, जिसमें एक पुरुष व एक महिला की मौके पर ही मृत्यु हो गई है। तीसरा व्यक्ति अभी तक लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है। पुलिस द्वारा आगामी कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। इसी तरह की और अपडेट्स देखने के लिए बने रहिए जीबीसी अपडेट के साथ। धन्यवाद।